वाला जो अपन ने कीवर्ड्स पे बात की थी वो क्लियर हो गया था पार्ट आपका? जी सर, हाँ सर, क्लियर है वो। ओके बट सर, मतलब एक चीज है, जैसे कि आपने वो टूल से दिखाया था ऊबर सर्विस, और दूसरा एक टूल था स्नैश, समथिंग लाइक दैट, एसएम स्मैश रश, या स्नैश। एसएम रश, एसएम रश। तो सर, मतलब अभी वो सर्विस ऊबर सर्विस में नहीं है ना, ऊबर सर्विस टूल में ऊबर सजेस्ट में नहीं है, नहीं? ओके। बट ऐसी कोई नीड नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, जब मैंने फर्स्ट दिन एसईओ स्टार्ट किया था ना, तो मुझे तो सिर्फ इतना पता था बहुत साल पहले कि अच्छा गूगल का एक कीवर्ड टूल आता है, वो लेके अपना काम करने का। बाद में मुझे पता चला कि यार गूगल का कीवर्ड टूल जो कंपटीशन में लेके चल रहा हूँ, ये तो गूगल एड्स के लिए है। ये चीज बाद में धीरे धीरे समझ में आई। तो अभी तो आप ये समझो, जो अभी टूल्स इतने एडवांस हो गए हैं कि फ्री में हमें वो सारी चीजें दे रहे हैं। एसईएम रश पहले भी आता था, और पहले भी वो इतना ही चार्ज लेता था। तब तो मतलब ये होता था कि कोई पे करता ही नहीं था। आज तो ठीक है, हमारे पास इतने प्रोजेक्ट्स हैं कि हमें पे करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट को हर महीने हमें कीवर्ड की रिपोर्ट देनी है कि साहब हमने 1 महीने काम किया, और 1 महीने काम करने पे ये रिजल्ट है कि कीवर्ड की पोजीशन से इम्प्रूव हुई। वो हुआ कीवर्ड रिसर्च का पार्ट, हुआ कॉम्पिटिटर्स की रिसर्च करने के लिए, तब आज जाके हम वो टूल ले रहे हैं। अभी आप पहले लर्निंग कर रहे हो, लर्निंग करने तक आप इतना मत वरी करो कि ना यार वो टूल नहीं है तो मैं कैसे सीखूंगा। और उसके साथ साथ मैंने आपसे एक शेयर टूल का बोला था, एसईओ टूल्स अड्डा। यस, तो अच्छा सर, टूल में और सर जो कवर पहला पे टूल में क्या डिफरेंस आ जाता है? जैसे क्या बोल रहे हैं आपने शेयर अड्डा जो बताया था, और इसमें और जो प्रॉपर हम टूल लेते हैं, इनमें क्या डिफरेंस? उसमें, उसमें क्या सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं पंकज हूँ, मैंने एक एसईएम रश का टूल परचेज किया, मैंने एक मॉस का परचेज किया, मैंने एक ऐसे करके 50 टूल परचेज कर लिए। अब वो 500 का मैं तो वो पूरे महीने का पे कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, वो 50 टूल मैं पूरे जितने भी मेरा नेटवर्क है वहां सबको 500 रुपए महीने में दे रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ 50 के 50 टूल आप एक साथ यूज करो। सर, आपने कल एक और एक चीज जो देखी क्वालिटी थी। डिफरेंस है वो मतलब सेम रहता है कि ऐसा अलग हो जाता है? नहीं, एकदम मतलब क्वालिटी डिफरेंस में ये होता है कि कई बार उस टूल को एक एक ही टाइम पे 50 जने यूज करने आ जाते हैं तो वो बंद हो जाता है, बस ये डिफरेंस रहता है, बाकी रिजल्ट और वो सारी चीजें सेम रहती है। क्योंकि मैंने भी सर एक बार ऐसे ट्रायल में लिया था, हालांकि अभी भी चल रहा है, मतलब टूल जैप से लिया था, वो 700, उसमें HRF और जो है क्या कहते हैं वो, जो सब ऑलरेडी दिए हुए थे, तो हाँ, यूज तो करके। मेरे पास भी है, लेकिन मेरे पास पहली चीज तो टाइम भी नहीं मिलता, लेकिन मैंने स्टूडेंट को ऐसे सिखाने के लिए जैसे ले रखा है। अब मुझे पता भी नहीं शायद एक्सपायर हो गया या चल रहा है, लेकिन ये है कि मैं बस ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि एक बार आप लर्निंग के लिए डेफिनेटली उसको यूज करो। 500 रुपए में, 700 रुपए में कुछ नहीं जाता, और 50 टूल्स का एक्सपीरियंस जिसके लिए मैं आज के टाइम में सपोज $180 $100 पे कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पे कर रहा हूँ। और जितनी भी जो एसईओ प्रोफेशनल्स हैं उनको वो चीज के लिए पे करना ही पड़ेगा, वो 700 रुपए से काम नहीं चला सकते। सही कर रहे हैं। अच्छा सर, कल का मेरा क्वेश्चन फिर वही रिपीट हो रहा था, जैसे मैं होम ट्यूशन के कीवर्ड पर रिसर्च कर रहा था, तो मुझे नंबर ऑफ कीवर्ड थे जिनकी सर्चेस 3,000 4,000 के आसपास थी, जिनका ही ऐसी थी जो 100 थी या 10 थी या 20 थी, तो क्या मैं उनको बिल्कुल से छोड़ ही दूँ कि उसको मुझे काम ही नहीं करना है? किसको, कौन से 100 वाला, मतलब क्या मेरे पास वन? जो है 20 कीवर्ड के सिलेक्शन ऐसे हैं जिनकी सर्चेस 1,000 से ऊपर है या 5,000 6,000 रुपये मिनिमम है, लेकिन नंबर ऑफ कीवर्ड ऐसे हैं जिनकी सर्चेस 100 है या 90 है, तो मैं इनको छोड़ दूं कि मतलब इस पे काम नहीं करना चाहिए? नहीं, आप छोड़िए मत, आप लीजिए, आप कीवर्ड को अच्छा लीजिए जो आपका। जैसे सपोज मैं अभी कीवर्ड फाइनलाइज क्यों करा रहा हूँ वो मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर लूंगा। उसके अलावा जो कीवर्ड्स है उनको भी मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा किसी को भी नहीं, लेंगे सबको, लेकिन हर कीवर्ड का प्लेसमेंट अलग अलग जगह होगा। जो सबसे अच्छा कीवर्ड होगा उसका प्लेसमेंट टाइटल में होगा, फिर जो नॉर्मल वाले कीवर्ड्स होंगे उनका प्लेसमेंट कंटेंट के अंदर होगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जगह हम मतलब कीवर्ड्स को प्लेस करेंगे। सब ज्वाइन हो चुके हैं तो अपन स्टार्ट करें। जी सर, हाँ निश्चित जी, सचिन जी, अंश, वेर आर यू? नहीं अंश अभी तक नहीं ज्वाइन हुए। अच्छा,
हेमा जी अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, और वैसे बहुत स्टूडेंट नहीं अभी हाँ विपिन जी आ गए हैं। विपिन जी कैसे हैं? विपिन जी आवाज नहीं आ रही है विपिन जी की, विपिन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। विपिन जी माइक उनका म्यूट बता रहा है। नहीं वर्क कर रहा है जब। अच्छा चलो तो स्टार्ट कर ही लेते हैं। पर ओवरऑल मैं अभी कीवर्ड रिसर्च पे इसलिए इतना एम्फेसिस डाल रहा हूँ क्योंकि आप समझिए ये कीवर्ड ही है जो, मतलब आप सोचिए अगर किसी भी एसईओ प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो हमारा मेन एम क्या रहता है, आप सोच के देखिए। मेन एम सिंपल सा है कि इस कीवर्ड पे हमारी वेबसाइट रैंक होनी चाहिए क्योंकि इस कीवर्ड पे ट्रैफिक अच्छा है, ठीक है। तो अब अगर मेन एम वो है तो कीवर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ या नहीं हुआ, सिंपल सा बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। तो मैं इसलिए उस पर इतना ज्यादा जोर डाल रहा हूँ कि एक बार ये कीवर्ड वाला पार्ट क्लियर हो गया ना तो हम आगे, मतलब एसईओ एक चीज ये भी समझ लिया, एसईओ इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स, पीछे से डॉट से आगे से आगे आगे से आगे कनेक्ट करते हुए चले, तो पूरा पार्ट एसईओ का यही है। ओके विपिन जी कैसे हैं? इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कल अपन ने कीवर्ड पे डिस्कस किया था, कुछ जी आपने उस पे रिसर्च की? सर मैंने रिसर्च भी किया था सर, उसमें उसी में से एक हमारा क्वेश्चन था। हाँ बिल्कुल बताइए। सर क्वेश्चन यह था कि हमारा वहां पर कुछ आ रहा था, एक मिनट से मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ, मैं देखकर ओके जो मैंने गूगल एड्स का जो कीवर्ड प्लान होता है ना सर, ठीक उसमें से सर दो चीज आ रहा था। एक तो आ रहा था टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज, एक आ रहा था सर हाई रेंज। वो है। दोनों के ओके बीच का डिफरेंस मुझे समझ में नहीं आया सर। विपिन जी, एक चीज मैं विपिन जी आपसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जी 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 ये है कि अगर अपन जैसे मैं एसईओ का पार्ट अगर हम कर रहे हैं ठीक जी 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 है, जी तो जी जी एसईओ पे आप जितना ज्यादा फोकस करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। अगर आप एग्जैक्टली सर। एसईओ के साथ बाकी चीजों को मिक्स करोगे तो मेरे को बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे को तो नहीं सारी चीजें आती, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इसका लॉस होगा कि आप नहीं सब वो कुछ एक्चुअली मिक्स सर करोगे। वो कीवर्ड था ना सर, कीवर्ड हाँ प्लानिंग ही मैं तो हम लोग कर रहे चलो, हैं। हाँ जी उस जी पर जी मैंने जी आपको कीवर्ड प्लानर जब मैंने कहा ना अपने को जी रिसर्च जी करनी है, तो जी 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 केवल उसके ट्रैफिक और उसके मतलब गूगल वाले पे तो मैंने कहा केवल ट्रैफिक ओके पे जी सर, फोकस करो ओके जी अब। सर, बट ओके अब जी आपका सर। जो क्वेश्चन है वो मैं एक बार बता देता हूँ। टॉप ऑफ द बिड अगर आप जैसे आपका क्या था, एक लो रेंज था और एक हाई जी रेंज था। जी 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 अगर जी सपोज आपको की मतलब आप कोई एड रन करते हो और आपको टॉप ऑफ द पेज रहना है, फर्स्ट पेज पे मतलब फर्स्ट वहीं पे फर्स्ट पोजिशन बना के रखना है, तो वो आपको हाई रेंज वाला जो वो पार्ट है वो यूज करना है। हाई रेंज वाला जो वो आपको बता रहा है प्राइस की, इतना प्राइस है लेट से 25 रुपए रहेगा टॉप ऑफ द बिड, तो आप वो 25 रुपए लगाइए। आपको अगर लो रेंज रहना है, लो रेंज मतलब कि अब उसमें गूगल हो सकता है आपको फर्स्ट पोजीशन पे रखे, हो सकता है आपको सेकंड पे रखे, हो सकता है आपको थर्ड पे रखे, तो वो उस हिसाब से आपको लो रेंज की जो बिड है वो बताता है कि जी भाई आपको एड रन करना है तो इतना आप बिड लगा सकते हैं। आई गॉट इट सर। हाँ बट विपिन जी ये पर्सनली मेरा फीडबैक इसलिए है क्योंकि जिस गली में आप गुजर रहे हैं ना जी उस पे इतने साल पहले गुजर चुका हूँ मैं। पता है क्या करता था मैं, जी जी पहले YouTube पे वीडियो देखता था, पहला जी वीडियो देखा जी SEO पे देखा और यार SEO पे इतना अच्छा चल रहा है, SEO पे चल रहा है, मेरे को भी SEO करना है। फिर थोड़ी देर हुई एफिलेट मार्केटिंग पे वीडियो देखा, अरे यार एफिलेट मार्केटिंग पे इतना अच्छा चल रहा है, मेरे को एफिलेट मार्केटिंग पे स्ट्रांग होना है। फिर थोड़ी देर हुई मैंने गूगल एड्स पे वीडियो देखा, मैं नया टॉप ऑफ द वर्ल्ड की यार ये सब मैंने कर लिया तो मेरा करियर परफेक्ट है। फिर गूगल एड्स के बाद मैं शाम तक फेसबुक एड्स, अब मैं शाम को एड बनाने बैठा हूँ सब जब मेरा दिमाग इतना भर चुका है, और अब मैं ऐसे में क्या कर रहा हूँ फेसबुक एड का एक एड बना रहा हूँ, फेसबुक एड लगा रहा हूँ। तो अल्टीमेटली आप बताइए मैंने क्या सीखा, मैं कुछ नहीं सर। किसमें एक्सपर्ट हुआ, नहीं कोई चीज बची जिसमें मैं एक्चुअल में एक्सपर्ट हुआ? सर, नहीं गुड हुआ। इवनिंग। गुड इवनिंग कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ सर, आप भी बढ़िया ही होंगे। और बढ़िया बढ़िया। मेरे को अच्छा एग्जांपल मिस कर दिया मैं लगता नहीं, मैं बस विपिन जी से थोड़ा सा, विपिन जी को मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता रहा था, तो विपिन जी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिल्कुल एंड सर ऑफ द डे मुझे लगा मैंने कुछ नहीं सीखा,
मैं सब चीजें करता गया, फेसबुक एड भी करता गया सब चीज, फिर मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप किया जाए, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज पकड़ी जाए, और आज मैं ये है कि आपके सामने बैठा हूँ एसईओ की क्लासेस लेते हुए। बिल्कुल सर। ठीक है अंश जी, कैसे हैं? अब स्टार्ट कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, सब आ गए। ओके चलो, कल मैंने आपसे जो डिस्कस किया था ये मैं एक हल्का सा छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। मैंने कीवर्ड के दो कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे कि एक तो उसका ट्रैफिक है और एक है कंपटीशन। क्लियर? कि कंपटीशन में मैंने आपको ये कहा था लो, मीडियम और हाई कंपटीशन रहता है। ठीक है, फिर उसमें से मैंने आपको फाइनल कीवर्ड निकालने का प्रोसेस बताया था। यहाँ तक क्लियर था सबको? अब आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक तो कीवर्ड्स फाइनल करने वाले हैं प्रोजेक्ट के लिए, अगर एसईओ प्रोजेक्ट है हमारा तो उसके लिए हम फाइनल कीवर्ड्स कौन से लेंगे, और दूसरी चीज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में भी बेसिकली हम जो करेंगे आज टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज, ये तीन चीजें करेंगे। चलो इस पर अभी अपन बात नहीं करते हैं, पहले हम कीवर्ड्स फाइनल कर लेते हैं। मेरी कीवर्ड वाली शीट ले लेता हूँ। कल मैंने जैसा आपको बोला था कि मैं कुछ 15 कीवर्ड्स या 20 कीवर्ड्स इसमें शीट में ऐड करके रखूंगा। क्लियर? तो अब ये 15 कीवर्ड्स हैं, अब 15 कीवर्ड्स में से हमें 5 कीवर्ड्स फाइनल करने हैं, फाइनल करने हैं हमारी इस शीट में, नेक्स्ट शीट में डालने हैं। तो सबसे पहले पहले मुझे ये बताइए अंश, सारे के सारे मोस्टली जैसे कम कॉम्पिटिटिव मार्केट है कुकिंग क्लासेस का, तो मैं देख पा रहा हूँ कि सारे के सारे लो रेंज वाले ही हैं, मतलब मीडियम तक भी कोई पहुंचा नहीं है। तो अंश अब आप मुझे बताइए सबसे पहला कीवर्ड में कौन सा फाइनल करूं? क्या समझ में आता है? फर्स्ट हमारे पास एक है कुकिंग क्लासेस इन पुणे, प्रोफेशनल कुकिंग क्लासेस इन पुणे, फिर उसके बाद बेस्ट कुकिंग क्लासेस इन पुणे, बेस्ट कुकरी क्लासेस इन पुणे। आई थिंक आप सबको मेरी शीट दिख रही है ना? प्रोफेशनल, प्रोफेशनल कुकिंग क्लासेस। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया शायद। मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है, आप सबको दिख रही है गूगल? आपका आपका विजुअल दिख रहा है मतलब फुल स्क्रीन में? हाँ स्क्रीन दिख रही है, हमें तो दिख रही है सर। मैंने तो आपका इंटरनेट इशू है तो वो पहले वाली स्क्रीन ही दिखा रहा है। अभी आया सर। ओके ठीक है, अभी ये स्क्रीन दिख रही है जिसमें 14 कीवर्ड्स हैं ओवरऑल, जो मैंने आपको कहा था कि कल मैं कुछ कीवर्ड्स निकाल के रखूंगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जनरली अगर हम देखें ये भी लो रेंज का लो कंपटीशन वाला कीवर्ड है, अगर हम कंपटीशन लिख लें चलो सबका, तो ये भी लो है, फिर उसके बाद ये भी लो है, ये भी लो है, सभी लो है सर, सारे के सारे लो है, क्योंकि मैंने पूरा एनालिसिस किया, मेरे को मीडियम और हाई वाला कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि पुणे में इतना कंपटीशन नहीं है कुकिंग क्लासेस को लेके, यही जगह मुंबई या कुछ और सिटी होती तो शायद हो सकता था ज्यादा हो, बट सारे के सारे लो हैं। ठीक है, तो अब ऐसे में हम फाइनल क्या करें, जनरली यही फाइनल कर सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा अच्छे ट्रैफिक वाले कीवर्ड हैं उनको फाइनल कर दें। ठीक है, तो फाइनल में सबसे पहला कीवर्ड जो मैं फाइनल करने जा रहा हूँ कुकिंग क्लासेस इन पुणे, तो मैं फाइनल करने के लिए हमेशा क्या करता हूँ हाईलाइटर का यूज करता हूँ, ताकि क्या आज से अगर एक महीने बाद भी अगर मैं रिसर्च शीट ओपन करूँ ना अपनी, तो उसमें देखूँ कि भाई हाँ मैंने ये फाइनल कीवर्ड्स किए थे और फाइनल कीवर्ड वाली लिस्ट में वो कीवर्ड्स आ रहे हैं, और वो क्यों किए थे वो क्लियर शीट के जो नंबर्स हैं वो नंबर्स ही बता देंगे कि हाँ ये फाइनल मैंने क्यों किए थे। ठीक है, तो फिर अब मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ प्रोफेशनल कुकिंग क्लासेस इन पुणे। अब यहाँ पे ये है बेस्ट कुकिंग क्लासेस इन पुणे 14 कंपटीशन है, बेस्ट कुकरी क्लासेस 15 कंपटीशन है, तो मैं ये हो सकता है कि इसमें सोचूं कि चलो ठीक है ये वाला ले लेते हैं। फिर नॉनवेज कुकिंग क्लासेस इन पुणे, नॉनवेज के अलावा कुकिंग क्लासेस फीस इन पुणे, तो मैं ये कीवर्ड ले लिया यहाँ, सपोज जैसे नॉनवेज कुकिंग क्लासेस 50, तो फिर मैंने ये वाला फाइनल कर लिया। इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा कीवर्ड्स नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक बार के लिए, मैं अभी सारे कीवर्ड छोड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन एक बार मैं फाइनल कीवर्ड वाली जो लिस्ट है उसमें मैं मेन मेन ये कीवर्ड्स डाल रहा हूँ।
जो मैंने Uber Suggest का टूल यूज करके शॉर्टलिस्ट किए हैं। यहां तक सब क्लियर है? निशित जी, अंश, सचिन जी, सबको क्लियर है ये पार्ट? जी सर। अब एक बार के लिए मैंने चार की, हाँ सर, एक कीवर्ड रिसर्च में यदि पीछे वाला पेज पे भी हम जाएं तो सर एक बार कीजिएगा। हाँ सर, जो हमने लिया है 6 नंबर का नॉनवेज कुकिंग क्लासेस इज पुणे। ओके। और इससे ऊपर वाला जस्ट ऐसा बेस्ट कुकरी क्लासेस इज पुणे, ये दोनों के बीच में भी हम कंपेयर करें सर, तब तो सर जहाँ पर बात करते हैं हाई ट्रैफिक लो कंपटीशन, तो इसके कंपेयर में तो बेटर उससे ऊपर वाला हो गया ना सर। तो उसको भी ले सकते हैं विपिन जी, मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि बेस्ट कुकरी क्लासेस इन पुणे और बेस्ट कुकिंग क्लासेस इन पुणे, मैंने कुकिंग ऑलरेडी ले लिया था तो मैंने वेबसाइट के पेजेस के हिसाब से सोचा कि अभी कुकरी क्लासेस अभी मुझे नहीं लेना है। मैंने ये कहा कि मैं अभी इनको फाइनल कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी कीवर्ड मैं छोड़ दूंगा, मैं यूज सबको करूंगा, आपको प्रूव करूंगा अभी। पर यह है कि एक बार मैंने वो चार कीवर्ड लिए हैं, यूज अपन सबको करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ेंगे हम। ठीक है सर। ठीक है। सर ऐसा कुछ क्राइटेरिया है क्या, मतलब चार ही कीवर्ड से मतलब फाइनल करना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ओके। क्राइटेरिया सिंपल सा है, वो क्राइटेरिया मैं लिख लेता हूँ आपको, मतलब मैक्सिमम आपके नोट्स में लिख लेता हूँ। ओके। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया फॉर कीवर्ड्स फाइनलाइजेशन। ठीक है। अब सबसे पहला क्राइटेरिया वो हम लिखेंगे कंटेंट ऑफ वेबसाइट, कितना ज्यादा कंटेंट है। ठीक है। लेस कंटेंट देन डेफिनेटली लेस कीवर्ड्स। ठीक है। और मोर कंटेंट मोर कीवर्ड्स, पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए। ओके। कंटेंट के बाद जो सेकंड पार्ट आता है, नंबर ऑफ पेजेस ऑफ वेबसाइट, एक वेबसाइट के कितने पेजेस हैं, मोर पेजेस मोर कीवर्ड्स। ठीक है। और लेस पेजेस तो लेस कीवर्ड्स। अब ये भी कैसे होगा ये मैं आपको अभी प्रूव करके बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहला पार्ट है कंटेंट ऑफ वेबसाइट, लेस कंटेंट लेस कीवर्ड, मोर कंटेंट मोर कीवर्ड्स। और दूसरा है नंबर ऑफ पेजेस, जितने ज्यादा पेजेस होंगे उतने ज्यादा आप कीवर्ड यूज कर सकते हो। और तीसरा क्राइटेरिया जो मैं आपसे बात करूंगा वो है रिसोर्सेज। सबसे हम क्या है, ये चीज सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट चीज है और इसको हम सबसे ज्यादा एंड में कंसिडर करते हैं। मतलब जैसे ये बात हो गई, मैंने कहा मुझे रेस्टोरेंट खोलना है, सबसे अच्छा रेस्टोरेंट खोलना है, पुणे का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट खोलना है, इतना अच्छा रूफटॉप ये वो सब होना चाहिए, मतलब अच्छे से अच्छे शेफ की टीम होनी चाहिए। मैंने सारी प्लानिंग तो कर ली, लेकिन प्लानिंग करने के बाद जब एंड में आए, भाई इसके लिए बजट कितना चाहिए, भाई बजट चाहिए 1 करोड़ रुपया, फिर मैं कहूँगा यार 1 करोड़ रुपये तो है ही नहीं, 1 करोड़ नहीं है तो हमारे इतनी प्लानिंग की क्यों, उल्टा पहले भी टाइम खराब किया आगे और टाइम खराब कर रहे हैं। तो इस चीज को मैं पर्सनली मानता हूँ कि रिसोर्सेज बहुत इम्पोर्टेंट है, कि एसईओ मतलब जो वर्क है वो करने के लिए कितने रिसोर्सेज हैं, या हम खुद कितना टाइम डिवोट करने वाले हैं फॉर एसईओ वर्क, नंबर ऑफ रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज आप लगाते हो। मैं कह रहा हूँ आपने 50 कीवर्ड फाइनल कर लिए, सचिन जी मैं कह रहा हूँ 50 के आपने 100 कीवर्ड फाइनल कर लिए, अब एक एक कीवर्ड पे आपको एसईओ करना है, और अगर आप उसका टाइमलाइन ले रहे हो कि मेरे को 1 महीने में करना है या 2 या 4 महीने 6 महीने में करना है, 6 महीने में मेरे को 100 कीवर्ड्स पे कॉम्पीट करना है, तो अब आप सोचो प्रैक्टिकली आप जो सोच रहे हो 100 कीवर्ड्स वो क्या इजी है या टफ है, क्योंकि आपको उसके लिए मतलब एक एक कीवर्ड पे आप समझो रोज का आपको 1 घंटा देना है या 2 घंटा वर्क करना है, तो आप सोचो अगर 100 कीवर्ड्स है तो एक दिन में आपको 100 कीवर्ड्स पे वर्क करने के लिए कितने बंदे लगाने पड़ेंगे, कितने एसईओ एग्जीक्यूटिव लगाने पड़ेंगे, जो एक बंदा सपोज 8 कीवर्ड पे काम कर रहा है, अगर वो 8 घंटे काम करता है तो 8 घंटे के हिसाब से आप देख लो कि कितने कीवर्ड्स पे,
पर ये मैं मानता हूँ कि अगर आप 100 कीवर्ड्स पे काम करोगे तो ऑटोमेटिकली 50 से 60 कीवर्ड या ऐसे कैसे 70 कीवर्ड और आपके साथ एड ऑन हो जाएंगे। तो आप ये समझो अगर 50 कीवर्ड पे भी काम करते हो तो 40 कीवर्ड और आपके साथ एड ऑन हो जाएंगे जो आपके सेम सिनोनिम होंगे। सिनोनिम कैसे कि मैंने लिखा कुकिंग क्लासेस के अलावा और फूड कुकिंग क्लासेस या कुछ इस तरह के जो सिनोनिम्स होंगे वो भी ऐड हो जाएंगे आपकी कीवर्ड वाली लिस्ट में। तो मैं ये तीन क्राइटेरिया मानता हूँ जो बहुत जरूरी है। अब आप सबको क्या लगता है ये तीन क्राइटेरिया कितने जरूरी है? निशित जी आपको क्या लगता है होना चाहिए कि नहीं जरूरी है? सर बिना इसके तो काम भी नहीं चल सकता है। तो फिर बस वही पार्ट है। विपिन जी आपको क्या लगता है? विपिन जी क्वेश्चन कोई म्यूट किया हुआ है आप? हाँ सॉरी अभी तक तो नहीं। काम कैसे करना है मुझे वो नहीं पता, आप जो कीवर्ड बता रहे हैं ना। मैं वही कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा था। अब उस पे अपन आगे वर्क करते हैं। तो आपको सर एक सेकंड पॉइंट पे एक सर क्वेश्चन है मुझे। हाँ बताइए। मान लीजिए मैं कुकिंग क्लासेस इन पुणे ये पेज ये लैंडिंग पेज पे पेज का मैं एसईओ कर रहा हूँ। ओके डोर लगा लेना। सॉरी तो सर इसमें नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं वो वेबसाइट पे सर ये मैटर का करता करेगा क्या सर? केवल एक कीवर्ड है कुकिंग क्लासेस इन पुणे। नहीं, एक पेज है मेरा कुकिंग क्लासेस इन मतलब पुणे वो लैंडिंग पेज को मैं टारगेट कर रहा हूँ एसईओ करने के लिए। ओके तो मेरे वेबसाइट में बाकी और कितने पेजेस है वो मैटर करता है क्या सर? नहीं वो मैटर जो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने कीवर्ड्स हम फाइनल कर सकते हैं तो उसके बेसिस पे बोला। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि मैं जनरली एक पेज पे दो या तीन कीवर्ड या मैक्सिमम चार कीवर्ड पे ही काम कर सकता हूँ। उस पर एक साथ बहुत सारे कीवर्ड्स नहीं डाल सकता, नहीं तो फिर कीवर्ड्स का ही पेज लगेगा, कीवर्ड स्टफिंग लगेगी, कॉन्टेंट लगेगा ही नहीं। तो आपका जो कुकिंग क्लासेस इन पुणे वाला पेज है वो एक पेज के लिए मतलब वो एक पेज इनफ है, उसके लिए कोई बहुत सारे पेजेस की नीड नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने आपकी वेबसाइट आज एक्चुअली चेक की थी। ओके। इसमें काफी सारे पेजेस तो है ही नहीं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहाँ पे रेगुलर वर्कशॉप पे गया। नहीं सर एक्चुअली मैं सर इनिशियल स्टेज में हूँ सर, अभी तक ज्यादा पेजेस ऐड नहीं किए सर। हाँ और कुकिंग केक क्लास इन पुणे तो एकदम खाली पड़ा है, मतलब एक तरह से यूजर आएगा तो बाउंस हो जाएगा। और गूगल आज के टाइम में इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एक एक बाउंस होने वाली एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा है कि यूजर आया और विद इन मतलब एक 10 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर चले गया, मतलब उसको पेज पे रेलेवेंट कंटेंट नहीं मिला तो वो गूगल आगे वापस आपकी वेबसाइट पे भेजेगा ही नहीं ट्रैफिक। सर ऑन एन एवरेज कितने सेकंड्स तक अगर कोई कस्टमर आके होल्ड होता है वेबसाइट पे तो वो अच्छा रहता है, मतलब मिनिमम कितने होना चाहिए? अगर मतलब क्या बोलते हैं आपकी वेबसाइट पे कितनी देर रहना चाहिए? राइट ये पूछ रहे हो ना। तो अब इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है आपकी वेबसाइट नीश। वेबसाइट नीश बोले तो सपोज मेरी वेबसाइट नीश है ट्रैवल, तो गूगल क्या करेगा? गूगल टॉप कि जो 100 ट्रैवल वाली वेबसाइट है, लेट्स से यहाँ 50 ट्रैवल वाली वेबसाइट है, उस पे ओवरऑल लोग कितनी देर रुक रहे हैं? अगर उस पे ओवरऑल लोग लेट्स से 5 मिनट रुक रहे हैं तो गूगल के लिए 5 मिनट वो एक स्टैंडर्ड टाइम है आपकी ट्रैवल वाली नीश के लिए। अब इसी जगह कुकिंग क्लासेस से रिलेटेड नीश है। अब कुकिंग क्लासेस एक ऐसा पार्ट है जिसमें अगर कोई ब्लॉग है और यूजर कोई रेसिपी पढ़ने लग गया तो डेफिनेटली ये है कि 6 से 7 मिनट 8 मिनट या 10 मिनट भी ओपन करके रह सकता है। तो कुकिंग क्लासेस वाले नीश का स्टैंडर्ड कितनी देर का हुआ? 8 मिनट 7 मिनट। ठीक है तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिस कैटेगरी में जितनी देर यूजर की रिक्वायरमेंट सॉल्व होती है तो वो गूगल के लिए एक स्टैंडर्ड है। अब मेरे को ट्रेन का टाइमिंग देखना है तो ट्रेन का टाइमिंग मैंने 1 मिनट में देख लिया कि भाई ट्रेन का क्या स्टेटस है, ट्रेन कितनी देर में आ रही है, मेरी क्वेरी सॉल्व। और गूगल का काम क्या है कि यूजर सर्च के लिए सिर्फ गूगल के पास आए, किसी और सर्च इंजन को यूज ना करे, तो उसके लिए उसको क्या करना है, बेस्ट टू बेस्ट सर्च देनी है, बेस्ट टू बेस्ट कॉन्टेंट देना है उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे। तो अगर मेरी जो पर्टिकुलर कीवर्ड पे या पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मैं सर्च कर रहा हूँ वो टॉपिक 1 मिनट में क्लियर हो रहा है तो मेरे को दूसरे मिनट की जरूरत ही नहीं है। तो गूगल को भी पता है कि 1000 यूजर्स एक बार आए इस वेबसाइट पे, सबकी क्वेरी 1 मिनट में सॉल्व हो रही है, तो मतलब ये वेबसाइट बेस्ट है, टाइम में भी इजीली सॉल्व कर रही है और क्वेरी भी सॉल्व कर रही है।
यूजर को ज्यादा घूमना नहीं पड़ रहा है उस वेबसाइट पे, तो ये डिपेंड करता है कि एवरेज टाइम कितना होना चाहिए। क्लियर हुआ ये सबको? क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब आप इमेजिन कर सकते हो अपनी अपनी वेबसाइट को लेके कि हाँ मेरी वेबसाइट पे यूजर अगर रुक रहा है तो किस हिसाब से रुक रहा है। ये आगे और क्लियर होते जाएंगे पॉइंट्स जब आप टेक्निकली सीखोगे। तो अब अपन ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को इंट्रोड्यूस कर लें। ठीक है, अब अगर हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो बेसिकली ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है क्या? बेसिकली इट्स अ प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस है किसको ऑप्टिमाइज करने के। ऑप्टिमाइज करने के मतलब जितने भी आपके वेबसाइट के ऑन पेज पे, वेबसाइट के पेज पे जो एलिमेंट्स हैं उनको ऑप्टिमाइज करने की प्रैक्टिस को हम क्या बोल रहे हैं? ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। मैं ये आपका नोट्स में ऐड कर लेता हूँ। बेसिकली इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग। अब ऑन पेज एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। अब जैसे मैं इनकी योर शेफ वाली वेबसाइट ओपन करता हूँ, तो योर शेफ वाली वेबसाइट में सबसे पहला जो मेरे को ऑप्टिमाइजेशन दिख रहा है, सबसे पहले पहले वेबसाइट पे क्या दिख रहा है? वेबसाइट पे कंटेंट है। क्लियर है? कंटेंट दिख रहा है, तो कंटेंट को ढंग से ऑप्टिमाइज करना। एक चीज ये समझ लीजिए, ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है? सबको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ऑप्टिमाइज का मतलब है कि जो चीज आज जिस स्टेज में है उसको उससे बेहतर बनाना। तो सबसे पहला पहला जो मुझे इसमें दिख रहा है वो है कंटेंट दिख रहा है। तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में मैं पहला ऑप्टिमाइजेशन क्या ले सकता हूँ? कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। अब कंटेंट क्या क्या होता है? कंटेंट के अंदर सब कुछ आ जाएगा। कंटेंट के अंदर रिटन टेक्स्ट भी आ जाएगा, कोई इमेज है तो इमेज भी आ जाएगी, कोई वीडियो है तो वीडियो भी आ जाएगा। ये सब एक तरह से कॉन्टेंट है विपिन जी, ये सारी चीजें एक तरह से कंटेंट हुई जी। तो इस सारे पार्ट्स को बेटर बनाना हमारा कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ सबको जी। अब मैं एक और चीज इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। जैसे हम गए गूगल पे, मैंने लिखा यहाँ पे कुकिंग क्लासेस इन पुणे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? बिजनेस का नाम, कंपनी का नाम नहीं, हर पेज का अलग अलग टाइटल होता है। नहीं विपिन, कीवर्ड मैं चलो एक बार आपको इस कॉन्सेप्ट पे वापस जाता हूँ। सर जब भी हम वेब पेज ओपन करते हैं तो टैब में वो टाइटल दिखता है पेज लोड होने से पहले, ठीक है। टैब में, ब्राउजर टैब में दिखता है, बहुत सही बताया आपने, परफेक्ट है। और कहाँ का यूज होता है? सर टाइटल टॉप पे यूज होता है जहाँ पे डोमेन के आगे। वो तो ये वाला पार्ट जो आप कह रहे हैं, ये जैसे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। नहीं 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 सर, नीचे वाला। तो गूगल को मैं बताना होता है ये पेज किस चीज के लिए है, जो मेल ऑटोमेशन होता है वो टाइटल पे ही होता है। यहाँ पे तो गूगल सर्च रिजल्ट्स में टाइटल का यूज होता है, ठीक है। तीसरा एक पार्ट, एक यूज और है टाइटल का। दो तो एकदम परफेक्ट बताया पूरी टीम ने, मतलब एकदम परफेक्ट बताया। एक तो ब्राउजर टैब में जो हम यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं, होम लिखा हुआ है, SEM रश लिखा हुआ है, सर सोर्स में भी तो यूज होता है। तो मैंने आपको यही बताया ना, टाइटल दिखता कहाँ कहाँ है, मतलब यूज तो आप समझ गए, सोर्स में यूज करेंगे तभी ये सब जगहों पे दिखेगा। हाँ मेन कहाँ कहाँ दिखता है सर? एक पेज पे, एक डोमेन पे और एक टॉप पे, ठीक है। जो टॉप पे दिख रहा है उसको हम ब्राउजर टैब कह रहे हैं, जो ये आपका ब्राउजर टैब है ना, इसको हम कह रहे हैं। थर्ड पार्ट टाइटल यूज होता है सोशल शेयरिंग में। आप सब ये करते हैं, निशित जी कभी फेसबुक पे कोई यूट्यूब का वीडियो शेयर किया है? अच्छा
या भी मैंने सर वो नील नील पटेल वाली पे देखा था सोशल शेयरिंग. हाँ सोशल शेयरिंग आप टाइटल मतलब अगर यूट्यूब पे मैं कोई वीडियो कहीं शेयर कर रहा हूँ या फेसबुक का कोई लिंक है मैं कहीं और शेयर कर रहा हूँ या कोई ब्लॉग है मैं कहीं शेयर कर रहा हूँ तो आप देखोगे पूरा टाइटल लिखा हुआ आता है नीचे उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आता है. आता है कि नहीं आता सबने देखा है या नहीं देखा. यस सर. यस तो टाइटल ये तीन जगह यूज होता है. टाइटल ये तीन जगह दिखता है यूज तो हम इसको सोर्स कोड में जो वेबसाइट का सोर्स कोड है वहां इम्प्लीमेंट करते हैं. एक बार वहां पे इम्प्लीमेंट किया तो ये तीन जगहों पे विजिबल रहेगा. ये पार्ट पूरा मतलब टाइटल का यूसेज क्लियर है तो हम नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं जो है टाइटल बनाना कैसे है. निशित जी ये पार्ट क्लियर है. अंश सचिन जी गौरव हाँ सर क्लियर है ना. चलो ठीक है अब मैं आपको नेक्स्ट आगे बता रहा हूँ. अब टाइटल किसी टाइटल ऑप्टिमाइज करना है ठीक है तो आपकी वेबसाइट में जितने भी पेजेस हैं हर पेज का अलग टाइटल बनेगा हर पेज का अलग डिस्क्रिप्शन बनेगा. मतलब आप ये समझ लो आपकी वेबसाइट में जितने भी पेजेस है लेट से 100 पेजेस है तो वो 100 के 100 पेजेस ऑप्टिमाइज होंगे और 100 के 100 पेजेस में डिफरेंट टाइटल होगा. 100 डिफरेंट टाइटल्स होंगे और 100 डिफरेंट डिस्क्रिप्शन होंगे मतलब हर चीज डिफरेंट होगी. अब ये कैसे होगा वो तो मतलब ये ऑप्टिमाइजेशन सारा हमें करना पड़ेगा बट ये है कि ये 100 डिफरेंट टाइटल होंगे 100 डिफरेंट डिस्क्रिप्शन होंगे. चलो मैं अब आपको ये पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ. एक वेबसाइट लेते हैं हम. ये एक वेबसाइट है मैंने अभी ओपन की है. ये सब देख पा रहे हैं जी सर. ठीक है अब मैं इसका जयपुर वाला पार्ट ले रहा हूँ. कौन सा पार्ट ले रहा हूँ जयपुर वाला पार्ट. ठीक है इस वेबसाइट के मतलब मोर देन 600-700 पेजेस है गूगल पे. ठीक है अब मैं आपको दिखाऊंगा इसके वेबसाइट के जयपुर जयपुर में 5 या 4 अलग अलग पेजेस रैंक कर रहे होंगे सबके अलग अलग टाइटल होंगे और सबके अलग अलग डिस्क्रिप्शन होंगे. सब देखना चाहेंगे जी सर. अब जैसे मैंने सबसे पहला पार्ट लिखा कार रेंटल इन जयपुर. वेबसाइट का नाम देख लो. वेबसाइट का नाम क्या है निशित जी. हाँ सर देख लिए सर. राजपूताना कैब्स. ठीक है अब मैंने लिखा यहाँ पे कार रेंटल इन जयपुर. क्लियर. फिर मैं वापस गूगल पे जा रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ जयपुर लोकल साइट सीइंग. ठीक है फिर मैं एक और जा रहा हूँ जयपुर टेम्पल टूर. फिर मैं एक और जा रहा हूँ टैक्सी सर्विस इन जयपुर. मैंने 4 अलग अलग कीवर्ड लिखे. अब सबसे पहले मैं लिखता हूँ कार रेंटल इन जयपुर पे क्या रिजल्ट आ रहे हैं. ये आ रहा है राजपूताना कैब. निशित जी अब ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है. अवार्ड विनिंग कार रेंटल इन जयपुर टाइटल है सर बहुत अच्छा था. सर्विस बाय राजपूताना कैब ये टाइटल है. कार रेंटल इन जयपुर कीवर्ड पे ये पेज आ रहा है. अब नेक्स्ट मैंने लिखा जयपुर लोकल साइट सीइंग. अब निशित जी यहाँ क्या आ रहा है. जयपुर साइट सीइंग पैकेज एंड नाइट टूर फ्रॉम राजपूताना कैब. अब फिर मैंने लिखा जयपुर टेंपल टूर. ठीक है जयपुर टेंपल टूर पे इनका शायद नहीं रैंक कर रहा होगा क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी वेबसाइट्स है. तो हाँ ये देखो राजपूताना के अब यहाँ सेकंड पेज पे आ रहा है. अंश ये क्या लिखा हुआ है. बुक टैक्सी फॉर रानी साथी दादी टेंपल फॉर जयपुर बाय. कौन सी वेबसाइट है नीचे देखिए. राजपूताना कैब. राजपूताना कैब. ठीक है अब मैंने लिखा टैक्सी सर्विस इन जयपुर. अब क्या आ रहा है राजपूताना कैब बुक टैक्सी इन जयपुर. अब आप सब मुझे ये बताइए क्या ये सारे एक ही पेजेस पे जाएंगे या अलग अलग पेजेस पे जाएंगे. अलग अलग पेजेस पे सर. तो आप चलो अब ये हम चीज देख लेते हैं. ये
यहाँ तक पार्ट क्लियर है ना, तो अब मैं नेक्स्ट आगे सारे पेजेस ओपन कर रहा हूँ. मैंने सबसे पहले कार रेंटल जयपुर वाला पेज ओपन किया है. तब कार रेंटल इन जयपुर में ये पेज आ रहा है. क्लियर है? अब मैं कार रेंटल इन जयपुर के बाद ये जयपुर लोकल साइट सींग वाला पेज ओपन कर रहा हूँ. जयपुर साइट सींग पैकेज एंड नाइट टूर फ्रॉम राजपूताना कैब. तो ये एक अलग पेज है. इसका टाइटल अलग था, इसका डिस्क्रिप्शन अलग था, पेज ही अलग है. आप देखो कार रेंटल वाला पेज कैसा था सर. यस, ये अलग पेज का मतलब एक ही वेबसाइट के अलग अलग पेज है कि अलग ही पेज पे जा रहा है? नहीं नहीं, एक ही वेबसाइट के बहुत सारे पेजेस हैं, मल्टीपल पेजेस. जो आपका ये क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन किसने पूछा था मेरे से, कीवर्ड फाइनलाइजेशन, ज्यादा कीवर्ड नहीं कर सकते क्या? तो मैंने आपको कहा था एक तो कॉन्टेंट होना चाहिए आपकी वेबसाइट पे और नंबर ऑफ पेजेस. तो अभी मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूँ. मैं आपको कॉन्टेंट भी बता रहा हूँ और नंबर ऑफ पेजेस भी बता रहा हूँ. ये आप देखिए, कार रेंटल इन जयपुर वाला था, ये कार रेंटल इन जयपुर वाला था, ये जयपुर लोकल साइट सींग वाला पेज था. अब हम आगे वाले पेज खोलते हैं. जयपुर टेम्पल टूर्स, ये एक कीवर्ड है. अब इस पे भी इनका कुछ ना कुछ कंटेंट होगा. सर मतलब हम लोग हर एक कीवर्ड पे अलग अलग पेज का लिंक डाल सकते हैं क्या? हर एक कीवर्ड पे आप अलग अलग पेजेस बना सकते हो, लेकिन कॉन्टेंट अच्छा होना चाहिए. अगर कॉन्टेंट अच्छा नहीं होगा तो फिर वो पेज रैंक नहीं करेंगे. ऐसा नहीं है कि बस आपने पेज बना दिया और छोड़ दिया. अब ये पार्ट यहाँ पे मैंने टेम्पल टूर्स था. अब ये टैक्सी सर्विस इन जयपुर, ये क्या आ रहा है? बुक अ टैक्सी इन जयपुर, ये इनका होम पेज पे ले जा रहा है. अब निशित जी, अब आप ये देखिए, हर पेज का अलग अलग कंटेंट है. कार रेंटल इन जयपुर है तो इस कीवर्ड पे इन्होंने कितना परफेक्टली कॉन्टेंट लिखा है वो हम देख सकते हैं. हेडिंग में इनका कार रेंटल इन जयपुर आ रहा है. फिर उसके बाद कंटेंट का प्लेसमेंट देखिए, इमेज है, इमेज पे कार रेंटल जयपुर आ रहा है, आप ये देखिए. फिर उसके बाद इन्होंने कार रेंटल पैकेजेस, यहाँ पे भी कार रेंटल यूज किया है. सर, यस सर, अगर हमें टेंपल का ही दूसरा पेज बनाना होगा तो सर तो वो कैसे बनाएंगे? तो मतलब उसका भी अलग बनेगा पेज? इन्होंने इन्होंने यही चीज की है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर ऑन पेज हम करेंगे तो ऑन पेज में हम एक एक पेज को ऑप्टिमाइज करेंगे. ऐसा कुछ नहीं होगा कि है ना, हमने बस वेबसाइट के चार पेज बनाए तो चार ऑप्टिमाइज कर लिए. नहीं, हम एक एक पेज को ऑप्टिमाइज करेंगे. फिर उस पर एक एक पेज पे अगर हम SEO करेंगे तब जाके वेबसाइट रैंकिंग में आती है. अब ये है कि हमें ये चाहिए कि हमें एक ही पेज पे अगर काम करना है, लेट्स से हमने 10 पेज नहीं बनाए या चार पेज नहीं बनाए, तो वो हम फिर एक पेज बना के एक ही पेज पे काम करेंगे. लेकिन फिर हम कीवर्ड लिमिट हो जाएगी, कीवर्ड हम बहुत ज्यादा उस पेज पे नहीं डाल सकते. तो इसने ये इतने सारे पेजेस बनाए हैं तब जाके इसकी वेबसाइट इतनी रैंक कर रही है, हर जगह फर्स्ट पोजीशन पे आ रही है. और सारे के सारे आप देखिए, कुछ कुछ तो सारे कीवर्ड सिनोनिम्स है. कार रेंटल इन जयपुर और टैक्सी सर्विस इन जयपुर दोनों सिनोनिम्स है. लेकिन आप देखोगे कि अलग अलग पेजेस खुल रहे हैं उसके बाद भी, सबका अलग अलग टाइटल था. सर मेनू में सारे पेज अवेलेबल हैं? सर सारे अवेलेबल हैं, सारे यहाँ पे आप देखेंगे. ये रेंटल एक एक के अंदर पेजेस हैं. और पेजेस के बाद आप देखोगे यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग तक की हुई है. जैसे ये एक पेज को जा रहा है, ये एक पेज को जा रहा है, ये एक पेज को जा रहा है, ये एक पेज को जा रहा है. और किसी भी वेबसाइट के आपको सारे पेजेस देखने हो तो आप एक नया टैब खोलेंगे, साइट लिखेंगे, कोलन लिखेंगे और आपकी जो ये वेबसाइट है इसका नाम डाल देंगे. साइट कोलन, पेस्ट कर दिया ये. अब जैसे आप ये करेंगे तो आपको सारे पेजेस बता देगा कि ओवरऑल कितने पेजेस है. अबाउट 502 रिजल्ट्स, मतलब 502 पेजेस हैं. मैंने यहाँ पे गूगल, आप यहाँ पे कीवर्ड लिखते हैं, मैंने यहाँ पे केवल वेबसाइट का URL डाल दिया. तो अब गूगल क्या सर्च करके बता रहा है कि ये वेबसाइट URL किस किस पेज में है. तो जनरली ये आपके जो 502 रिजल्ट्स हैं ये सारे के सारे इसके पेजेस ही बता रहे हैं. आप देखो सारे रिजल्ट्स में देखो, ये इसका होम पेज, ये इसका जैसलमेर वाला पेज, ये आगरा वाला पेज, ये कोटा, ये बीकानेर, ये रिंगस, ये अहमदाबाद, ये रणथंभौर, ये लखनऊ, ये उदयपुर. मैं जितना भी आगे जाऊंगा सारा का सारा इसके पेजेस ही बताएगा. ये हरिद्वार, बैंकॉक तक के पेजेस बने हुए, जोधपुर के पेजेस बने हुए.
तो ये सारे पेजेस क्या जरूरी है सर कि आप मेनू बार से अटैच करें या फिर कहीं पर उसका लिंक भी दे सकते हैं सर? नहीं नहीं ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे अटैच करें, इसके भी सारे अटैच नहीं है मेन्यू बार से, पर इसके लिंक्स अंदर ही अंदर बने हुए हैं। तो अभी तक कैसा लगा, क्या समझ में आया ये टाइटल वाला पार्ट जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया? तो वो पेज सर जो लिंक के साथ जो मेनू बार के साथ जो अटैच्ड नहीं है सर, तो वो पेज कहाँ पर लाया है सर? वो पेज वेबसाइट में अलग अलग जगहों पे लिंक किए हुए हैं, जैसे अब मैं देखूं यहाँ पे लग्जरी कार रेंटल इन जयपुर पेज, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जी, तो इन्होंने वेबसाइट में यहाँ लिस्ट कर रखा है, लिस्ट कर रखा है, तो ये इन्होंने एक पेज बना रखा है इसका। तो ए पेज कहाँ पर बना हुआ था भाई? वेबसाइट के अंदर ही आप बनाते हैं ना, पेजेस क्रिएट करते हैं। अब मेनू पे उसको रीडाल ले, बाकी पेज तो बन ही जाता है ना सर। हाँ, वर्डप्रेस में पेज क्रिएट करने का ऑप्शन है ना। यस हेलो हेलो, हाँ जी या सर, मैं पूछ रहा हूँ, तो ये तो समझ में आ गया कि उन्होंने अलग अलग टैप टैग के लिए अलग अलग पेज का लिंक दे दिए, बट इनके ही वेबसाइट टॉप पे कैसे आ रही है हर एक के लिए, वेब कीवर्ड के लिए एसईओ कर और क्यों नहीं आ रहे हैं? एसईओ कर रहे हैं और इनकी पूरा नहीं वेबसाइट टॉप पे आ रही है क्योंकि ये बहुत जबरदस्त एसईओ कर रहे हैं राजस्थान में। और दूसरी चीज इस के लिए ये है कि वेबसाइट की एज भी, वेबसाइट की एज इतनी पुरानी है, उसके बाद वेबसाइट का कंटेंट आप देखिए इतना परफेक्ट लिखा हुआ है, आप सोच नहीं सकते हैं कि मतलब इतना अच्छे से कंटेंट लिखा हुआ है, इतने अच्छे से एसईओ किया हुआ है, एक एक पेज इनका ऑप्टिमाइज्ड है। जो मैंने आपको बताया ना, अगर आपके 300 पेजेस हैं तो 300 पेज आपको ऑप्टिमाइज करने हैं, 500 पेज है तो 500 पेज ऑप्टिमाइज करने हैं। अब अगर ये 500 पेज ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो इनकी टीम कितनी बड़ी होगी निश्चित जी, अब आप बताइए 500 पेज के लिए, अब सोचो हर पेज पे ये इस तरह से इमेज बनाई है, कंटेंट राइटर कंटेंट लिख रहा है, फिर उसके बाद हर पेज के लिए इमेज ऑप्टिमाइज हो रही है, तो आप सोचिए सर इनकी इन्होंने एक ट्रिक भी अच्छी यूज की है कि डायरेक्टली जो कस्टमर को चाहिए वो उसी पेज पे डायरेक्टली पहुंच जाता है, तो कुछ वेबसाइट पे होम पेज पे अगर कुछ सर्च करने के लिए होम पेज पे जाने की जरूरत ही नहीं है। और हर पेज पे उसने कॉन्टेक्ट फॉर्म दिया है कि आप आ जाओ यहीं पे अपनी डिटेल डालो, हम आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। ब्लॉग तो हर कोई डालता है, ब्लॉग के बाद अब इसने वीडियो भी डाल दिया अपनी वेबसाइट में, अलग अलग पेजेस पे वीडियोस डले हुए हैं। तो ये कौन सा थीम पर बना हुआ सर, वर्डप्रेस पर बना हुआ है, किस पर बना हुआ सर? वर्डप्रेस पे ही बना हुआ है लेकिन कस्टम बना हुआ है, कस्टम मतलब उनके डेवलपर ने पूरा डिजाइन किया है जी। ये ऐसे कोई जैसे मतलब नॉर्मल थीम्स अवेलेबल है मार्केट में वो नहीं है, और ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें मतलब काफी लोग काम करते हैं, केवल एसईओ में मतलब 20 से 25 लोग काम करते हैं, और वो भी आज से नहीं, लास्ट 7-8 सालों से। मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा था मैं ये पार्ट कि अगर आप एसईओ को समझ रहे हैं तो एसईओ में ये समझिए, सबसे पहले आप ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो हर एक पेज का ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। चलो ये वेबसाइट हटा दो, निश्चित जी मुझे ये बताओ, अगर आप एक ब्लॉग बना रहे हैं, ब्लॉग में आपके 100 ब्लॉग्स रहेंगे, ठीक है, अब 100 ब्लॉग्स रहेंगे तो 100 के 100 टाइटल्स अलग रहेंगे विपिन जी, 100 के 100 टाइटल्स अलग रहेंगे, 100 के 100 डिस्क्रिप्शन अलग रहेंगे, तो आप बस उसमें ये है कि हर पेज आप जब जब ऑप्टिमाइज करोगे तो उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन सारी चीजें ऑप्टिमाइज करते जाओगे। तो वही चीज मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपकी कोई भी नई वेबसाइट है, अभी इनिशियली आपकी वेबसाइट में 5 पेज या 10 पेज होंगे तो हम वो 10 पेज ही ऑप्टिमाइज करेंगे, लेकिन हम हर पेज का अलग टाइटल बनाएंगे, हर पेज का अलग डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। अब चलो मैं एक और चीज पे आता हूँ सर, एक बार मैंने अगर ये पेज बना दिया, ये पेजेस बना दिए, तो सर मुझे मतलब सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद इसको अपडेट भी करना पड़ेगा ना सर, उसके कंटेंट या डेफिनेटली डेफिनेटली अगर आप अपडेट नहीं कर रहे हो, कोई आपके कॉम्पिटिटर ने आपसे अच्छा पेज बना लिया और वो उसका एसईओ करने लग गया, ओके, तो और यूजर को उस पेज पे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपके पेज की जगह उसको दिखाएगा। पर गूगल पेज ऊपर दिखाने में बहुत सारे क्राइटेरियाज यूज करता है, मतलब ये समझ लो कि वेबसाइट कितनी है, वेबसाइट पे कंटेंट में क्या क्या है, वेबसाइट का ऑन पेज कितना स्ट्रांग है, वेबसाइट का ऑफ पेज कितना स्ट्रांग है, बैकलिंक्स कितने स्ट्रांग है, वो सारी चीजें जज करता है। तो
तो मतलब आप ये मत सोचो कि बस एक पेज उसने नया बना लिया तो केवल वो रैंक करेगा, बट ये है डेफिनेटली अगर वो कंटेंट अच्छा बना है, आपसे अच्छा बना है, तो गूगल इसमें भी टेस्ट कैसे करता है, पूरा का पूरा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसमें सिस्टम है, वो क्या करेगा एक बार 20 यूजर्स भेजेगा कि चलो इस कीवर्ड पे मैंने 20 यूजर्स भेजे आपकी वेबसाइट पे, अब 20 यूजर्स अगर आए और उन्होंने आपकी वेबसाइट से ज्यादा मतलब उस वेबसाइट पे टाइम स्पेंड किया, तो गूगल को लगेगा कि यार मतलब यूजर्स सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब उस पेज में ज्यादा अच्छा कंटेंट है, फिर 20 के बाद एक बार फिर 50 यूजर्स भेजेगा, 50 यूजर्स भेज के देखेगा कि यार ये तो पर्टिकुलर उस वेबसाइट पे ज्यादा अच्छा कंटेंट है, तो फिर वो उसी को रैंक करेगा। तो ये है कि हमें हमारा कंटेंट टाइम टू टाइम चेंज करना है या उसको अच्छा और बेहतर बनाना है, अपडेट करना है। तो ये पार्ट क्लियर हुआ तो अब हम टाइटल ऑप्टिमाइजेशन आते हैं। सर एक सेकंड एक पूछना था, अगर सर हम अपना कंटेंट चेंज कर दे तो हमारी रैंकिंग नीचे चली जाएगी? नहीं, अगर कंटेंट अच्छा लिखोगे तो डेफिनेटली रैंकिंग नीचे नहीं जाएगी, बट अगर कंटेंट पहले से खराब हो रहा है तो डेफिनेटली रैंकिंग नीचे जाएगी। तो अपडेट में तो डेटा तो सेम ही होगा, बट उसमें इमेजेस चेंज कर सकते हैं ना, डेटा तो सेम ही होगा ना, डेटा सेम होगा। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब अगर हम इस वेबसाइट का एग्जाम्पल लेते हैं, इस वेबसाइट ने पहले यहाँ पे क्या लगा रखा था, केवल एक कार की इमेज लगा रखी थी। टाइम टू टाइम इसने सोचा चलो मैं कुछ अपडेट करता हूँ, तो इसने यहाँ पे ये तीन नक्शे लगा दिया, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, और ये पूरा इसने ही लगा दिया। इमेज अपडेट हुई, कंटेंट अपडेट हुआ, ठीक है। फिर इस धीरे धीरे इसने देखा कि यार यहाँ पे ये इमेजेस है, इन इमेजेस को मैंने चेंज कर लिया। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम हुआ, फिर इसने देखा कि अब यहाँ पे ये जो कॉन्टेंट लिखा हुआ है, इसमें क्यों ना मैं इन पेजेस को भी लिंक करूं, तो इसने यहाँ पे पेजेस को लिंक कर दिया, जैसे यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग कर ली, यहाँ कर ली। डे वन पे कभी भी ऐसा नहीं होता कि डे वन पे सारी चीजें हो जाती, ये विद टाइम टू टाइम आप कंटेंट को अपडेट करते ही रहोगे अगर आपको एसईओ में मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। ये धीरे धीरे कॉन्टेंट एड होता गया, सब्ट्रैक्ट थोड़ी कुछ हुआ, पहले तो इसने ये लगाया, फिर ये इसने अदर पेजेस लगाया, अब आप सोचो फिर उसके बाद इसने ये कॉन्टेक्ट फॉर्म तक रखा, फिर इसके बाद इसने कहा आप चलो 1 से 100 किलोमीटर जयपुर में आपको कहाँ जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो ये कंटेंट डाल दिया। 101 से 250 किलोमीटर जयपुर में कहाँ जाना है, तो ये डाल दिया। मतलब आप देख रहे हो कि वैल्यू ऐड हो रही है, कहीं डिक्रीज हो रही है क्या? फिर इसने और आगे ये रिव्यूज डाल दिया, अब ये रिव्यूज डाल दिए, रिव्यूज में क्या डाला, हैंड रिटन रिव्यू फ्रॉम अ गेस्ट एट ताज लेक पैलेस उदयपुर। इसने कुछ डिक्रीज किया क्या? इसने तो और डाल दिया, साथ में इसने कहा कि जैसलमेर के रिव्यूज देखने, कोटा के रिव्यूज देखने, तो आप रिव्यूज देख सकते हो। फिर इसने ये अभी फॉर्चूनर की फोटो डाल दी, तो आप देखिए हर दिन ये इम्प्रूव कर रहा है, डिक्रीज थोड़ी कर रहा है, वैल्यू ऐड कर रहा है। अब इसने फिर ये ब्लॉग्स डाल दिए, मस्ट सी जैन टेम्पल्स इन, अब आप देखोगे ये सब अभी अगस्त में हुए, मतलब लास्ट मंथ ही हुए। ये पार्ट क्लियर हुआ विपिन जी आपको? हाँ जी सर। ठीक है, वही पार्ट है कि आप मतलब हर पेज में वैल्यू ऐड करते जाओगे, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ टाइटल ऑप्टिमाइजेशन वाले पार्ट पे। अब अगर हमें वेबसाइट का टाइटल लिखना है, पहले हम लिखेंगे उसके बाद हमें उस वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वेबसाइट का टाइटल जो करंट टाइटल है वो भी हम चेक कर लेते हैं, अभी क्या टाइटल है। तो वो चेक कैसे करेंगे, जो जैसे कि आपका योर शेफ का होम पेज है, ठीक है, होम पेज है, तो मैं यहाँ पे व्यू पे गया और आपके कंट्रोल यू करके एक ऑप्शन होगा, आप सब देख लीजिए वेबसाइट में आता होगा, कंट्रोल यू करके ऑप्शन आता है व्यू सोर्स करके। अब व्यू सोर्स में ये इतना सारा जैसे कोड आ रहा है वेबसाइट का, हमें ये देख के डरना नहीं है, हमें इस पे दिमाग नहीं लगाना, हमें इसमें केवल कंट्रोल एफ प्रेस करना है, तो आप आपको ऊपर एक सर्च बॉक्स दिखेगा, सर्च बॉक्स दिख रहा है, सर्च बॉक्स में मैं लिखूंगा टाइटल, जैसे ही टाइटल लिखूंगा तो ये मुझे बता देगा। अभी टाइटल में देखो क्या यूज हो रहा है, योर शेफ कुकिंग क्लासेस, और कुछ यूज हो रहा है? बस टाइटल में यही है, बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो अब आप ये समझिए कि अगर मुझे अपनी वेबसाइट पर्टिकुलर कीवर्ड्स पर रैंक करानी है तो मैं क्या करूंगा, इन टाइटल में मेरा वो कीवर्ड यूज करूंगा, ठीक है। तो टाइटल ऑप्टिमाइज करने का मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। जनरली हम टाइटल लिखते हैं तो क्या फॉर्मेट होता है,
फॉर्मेट में ये होता है कीवर्ड वन, कीवर्ड टू, फिर आपका ब्रांड नेम। ये पार्ट क्लियर है? या फिर हम अगर स्पेस नहीं होती, हमने लिखा कीवर्ड वन एंड ब्रांड नेम, इस तरह से हम टाइटल्स बनाते हैं जनरली स्टार्टिंग में। अब निश्चित जी मेरे से पूछेंगे, हम सर टाइटल कितना बड़ा बना सकते हैं, क्या हम 300 वर्ड्स यूज कर सकते हैं, 500 वर्ड्स यूज कर सकते हैं, या 600 वर्ड्स यूज कर सकते हैं? तो फिर मैं कहूंगा भाई, अगर निश्चित जी अगर 600 वर्ड्स यूज करेंगे तो गूगल पे हमारे पास स्पेस कितनी है, तो हम ये देख लेते हैं स्पेस कितनी है। तो हमारे पास स्पेस पे अगर हम आ रहे हैं तो स्पेस हमारे पास केवल इतनी है, ये ब्लू कलर में लिखा हुआ जो लाइन है। तो निश्चित जी हमारे पास स्पेस कितनी है, एक लाइन जितनी। तो विपिन जी ने मेरे को कहा कि सर एक लाइन जितनी है, लेकिन अब एक लाइन मेरी तो एक लाइन अलग है, आपकी एक लाइन अलग है, तो इसका एक फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या हो सकता है? तो मैं कहूंगा विपिन जी, 2015 से पहले तो क्या होता था, लोग 120 कैरेक्टर्स या 110 कैरेक्टर्स के हिसाब से यूज करते थे स्पेस। लेकिन इसमें भी निश्चित जी के मेरे 120 कैरेक्टर का जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा है, विपिन जी के मेरा छोटा है। गौरव जी बोले कि सर मेरा भी जो कैरेक्टर साइज है वो और बड़ा है। तो फिर एक और नया अपडेट आया कि आपका कितना भी साइज, कोई भी फॉन्ट साइज हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो चाहिए पिक्सेल साइज। पिक्सेल साइज क्या होता है, स्क्रीन में पिक्सेल्स होते हैं, तो मुझे तो पिक्सेल साइज के हिसाब से टाइटल चाहिए। चलो ठीक है, पिक्सेल साइज के हिसाब से चाहिए। अच्छा कितने पिक्सेल होना चाहिए भाई, 500 पिक्सेल्स के अप्रोक्स होना चाहिए। अब 500 पिक्सेल्स मतलब आप 490 पिक्सेल भी यूज कर सकते हो, 510 पिक्सेल मैक्सिमम यूज कर सकते हो। ठीक है, विपिन जी ने कहा अरे बहुत अच्छी बात है, आज तो आपने पिक्सेल बता दिया सर, अब लेकिन पिक्सेल में मेजर कैसे करूं? मैंने ये इतनी बड़ी जो लाइन है, मैंने लिखा कुकिंग क्लासेस इन पुणे, और फिर मैंने आपका यहाँ पे ब्रांड नेम आपने कहा योर शेफ, तो मैंने कहा योर शेफ डाल दिया। और आपने कहा कि सर ये बेस्ट कुकिंग क्लासेस इन पुणे, हमने कीवर्ड भी यूज कर लिया, ब्रांड नेम भी यूज कर लिया, पर अब सर ये कितने पिक्सल का है, ये कैसे पता चलेगा? तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप गूगल पे लिखोगे, क्या लिखोगे, टाइटल पिक्सल चेकर। गूगल के पास सब चीजों का जवाब है। जैसे ही मैंने टाइटल पिक्सेल चेकर लिखा, लिखते ही मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएगी। ठीक है, अब विपिन जी कहेंगे अब इसमें से सर कौन सी वेबसाइट ओपन करें, तो मैं कहूंगा विपिन जी कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हो, लेकिन गूगल जो है जो फर्स्ट रिजल्ट दे रहा है वो सबसे बेस्ट रिजल्ट दे रहा है। तो मैं फर्स्ट वाली जो है टू द वेब वाली वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपके नोट्स में ऐड कर लेता हूँ, और ये मैं आपके ये ओपन भी कर लेता हूँ। तो ये टू द वेब वाली आ गई, पिक्सेल चेकर वाली, इसका मैंने URL यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब विपिन जी बनाए टाइटल इसका योर शेफ का। तो अब इसके लिए हमने फाइनल कीवर्ड कौन से किए थे, फाइनल कीवर्ड हमने किए थे यहाँ पे, फाइनल कीवर्ड हमने कौन कौन से कीवर्ड किए थे, एक बेस्ट कुकिंग क्लासेस इन पुणे, प्रोफेशनल कुकिंग क्लासेस इन पुणे, हमने एक ये कीवर्ड यूज किया और एक कुकिंग क्लासेस इन पुणे। तो हमने कहा चलो ठीक है टाइटल बना लेते हैं। तो हमने कहा बेस्ट कुकिंग क्लासेस इन पुणे। ठीक है, अब पेज टाइटल कितना बता रहा है विपिन जी, 242 पिक्सेल लॉन्ग। ठीक है, मतलब अभी हमारे पास स्पेस है, क्योंकि ये रेड लाइन से बोल रहा है योर पेज टाइटल इज टू शॉर्ट। तो मैंने कहा चलो ठीक है इसको और बड़ा कर लेते हैं, बेस्ट कुकिंग क्लासेस इन पुणे। ठीक है, फिर मैंने ये डाला, ये जो मैं डाल रहा हूँ ये है, इसको हम पाइपलाइन कहते हैं। तो मैंने ये पाइपलाइन डाली, योर शेफ प्रोफेशनल कुकिंग क्लासेस। ठीक है, तो आप देखेंगे अभी तक ये मुझे क्या बोल रहा है, 571 पिक्सेल। अब मैंने इसमें क्या क्या यूज किया, बेस्ट कुकिंग क्लासेस इन पुणे यूज कर लिया, प्रोफेशनल कुकिंग क्लासेस यूज कर लिया, और आपका ब्रांड नेम भी आ गया योर शेफ। अब मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ कि पर मेरे को ये चीज
यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है कि रीड करते हुए कौन सा बेस्ट लग रहा है. ऐसा भी कर सकता हूँ, बेस्ट कुकिंग क्लासेस इन पुणे, पाइपलाइन प्रोफेशनल कुकिंग क्लासेस और लास्ट में योर शेफ. लेकिन यूजर रीड करते हुए ये अच्छा लगेगा, बेस्ट कुकिंग क्लासेस इन पुणे, योर शेफ, प्रोफेशनल कुकिंग क्लासेस. अब अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, लेट से विपिन जी कहते हैं सर एक बार देखें कितना ऊपर आगे तक जाता है, तो मैंने लिखा प्रोफेशनल कुकिंग क्लासेस इन पुणे. जैसे ही मैंने बढ़ाया ये बढ़ गया कि आपने 590 पिक्सल कर दिया, और जबकि आपका कितना होना चाहिए 580 पिक्सल होना चाहिए. तो ये पार्ट किस किस को क्लियर है? जी सर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है. क्लियर है सर. अब ये सोचो, हाँ हाँ जी, ये कितना तक हम लोग डाल सकते हैं मैक्स? मैक्स अभी हमने देखा ना इसमें, जैसे 571 पिक्सल, 580 पिक्सल डाल सकते हैं. कीवर्ड डालेंगे? हाँ, उसके ऊपर ही डाल सकते हैं. हाँ, हम इतना डाल सकते हैं, पर मेरे जैसा इंसान तो और 10 पिक्सल का बफर लेके चलता है कि बाय चांस गूगल कहीं ऐसा नहीं हो कि वो डॉट 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 दिखा दे. जिन जिन के टाइटल बड़े लिखे हुए होते हैं तो वो डॉट 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 दिखा देता है. जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ. लेकिन सर टाइटल में सीधे कीवर्ड ही हमें यूज करना, चाहे वो जो भी हो. ये देखिए आप, डॉट 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 आ रहा है इसी का, बाकी सबका भी डॉट 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 आ रहा है. तो कई बार ऐसा हो सकता है एंड में जो हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं जो देखते ही यूजर क्लिक करे वो रह जाती है. तो इसलिए हमेशा कोशिश ये करते हैं, हाँ, और इसमें भी हम कोशिश ये करते हैं जो मैंने आपको बताया कि कीवर्ड पहले लिखें. अभी कीवर्ड पहले क्यों लिख रहे हैं, इस पार्ट को समझने के लिए हमें एक चीज और समझनी है, सर्च इंजन वर्किंग. मैंने कल भी बोला था, मैंने ये पूछा था कि सर्च इंजन कैसे वर्क करता है, ये हमें डिस्कशन करना है. तो ये डिस्कशन करने के लिए मैं आज आपको एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, बहुत अच्छा सा वीडियो है सर्च इंजन कैसे वर्क करता है. वो वीडियो एक बार देखो, कल मैं उस कॉन्सेप्ट पे भी बात करूंगा कि सर्च इंजन कैसे वर्क करता है. वो समझ गए ना तो फिर उसके बाद फिर हम SEO में सर्च इंजन के हिसाब से सोचने भी लगेंगे. तो अब इसके लिए भी मैं आपको वीडियो का लिंक अभी दे देता हूँ. सर मुझे एक क्वेश्चन है सर यहाँ पे. बिल्कुल पूछिए. सर हमने अभी जो टाइटल बनाया सर, हाँ, उसमें कुकिंग, बेस्ट कुकिंग क्लासेस इन पुणे कीवर्ड यूज किया. हाँ, बट सर अभी हम जो ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, ये मतलब मेरा होम पेज है सर. हाँ, बट कुकिंग क्लासेस इन पुणे वो मेरा अलग पेज, सेपरेट पेज रहेगा, जो कि मैं ये कीवर्ड वहां पे यूज कर सकता हूँ. बट होम पेज पे मेरा मतलब मेरा क्वेश्चन है कि होम पेज पे ये बेस्ट कुकिंग क्लासेस इन पुणे यूज करना सही रहेगा क्या सर? सही रहेगा, डेफिनेटली सही रहेगा. उसका रीजन ये, क्योंकि आपका अभी इस पोजीशन पे ये नहीं है कि आपकी वेबसाइट कहीं रैंक कर रही है. जो वेबसाइट रैंक नहीं कर रही है तो इनिशियल स्टेज पे तो जो होम पेज है वही हमारा मेन पेज है, जहाँ पे सबसे ज्यादा आप ऑफ पेज करोगे, सबसे ज्यादा उसकी लिंकिंग करोगे. तो अभी इनिशियल स्टेज पे आप इसको यूज कर सकते हो, बाद में जैसे जैसे आप एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड करने पे जो आपकी वेबसाइट पर अच्छा ट्रैफिक आने लगेगा, तब आप एक अलग से पेज क्रिएट करते हो कुकिंग क्लासेस इन पुणे, उस पे यूज कर सकते हो. जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है. अगर आपकी वेबसाइट बहुत अच्छे से जैसे रैंक कर रही है, अभी आपका जो कुकिंग क्लासेस इन पुणे वाला पेज है वो अभी अच्छा रैंक नहीं कर रहा. जी सर, बिल्कुल. तो ऐसे स्टेज में अभी कोई मतलब इश्यू नहीं है. बाद में क्या होगा कि अगर दोनों पे अगर आप सेम सॉरी मैंने आपको ये चीज क्लियर बोली थी, हर पेज का अलग टाइटल होना चाहिए, हर पेज पे अलग अलग कीवर्ड्स का काम होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर एक ही कीवर्ड मैंने लिखा, लेट से टैक्सी सर्विस इन जयपुर या प्रोफेशनल कुकिंग क्लासेस इन पुणे, अब उसपे मेरी वेबसाइट के दो पेजेस बने हुए हैं और दोनों के टाइटल में सेम कीवर्ड आ रहा है, तो गूगल के लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि मैं कौन से पेज को ऊपर लाऊं, कौन से पेज को रैंक करूं. विपिन जी समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? हाँ जी सर. और इसको हम टेक्निकली बोलते हैं कीवर्ड कैनिबलाइजेशन. क्या बोलते हैं? कीवर्ड कैनिबलाइजेशन, जिसमें आपकी वेबसाइट के दो पेजेस आपस में लड़ने लग जाते हैं और गूगल भी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन से पेज को रैंक करूं. तो जो आपका क्वेश्चन था कुकिंग क्लासेस इन पुणे, कि आप होम पेज पे इसे यूज करें या नहीं करें, तो
अगर मेरे पास और कीवर्ड्स की अपॉर्चुनिटी होती तो मैं डेफिनेटली होम पेज पे दूसरा कीवर्ड यूज करता, बट जो कुकिंग क्लासेस या कुकिंग वाला जो फील्ड है इसमें कीवर्ड की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, तो इसी चक्कर में मैं उसे होम पेज पे यूज कर रहा हूँ और मैं अभी सबसे ज्यादा एफर्ट जो डालने वाला हूँ वो होम पेज पे डालने वाला हूँ। मतलब ये आप समझ लीजिए कि अगर मैं SEO स्टार्ट कर रहा हूँ तो सबसे पहले पहले फोकस जो मैं करूंगा वो होम पेज पे करूंगा, होम पेज के बाद मैं अदर पेजेस पे मूव करूंगा। मतलब ये समझ लीजिए आप, बिल्डिंग बन रही है, मैं सीधा का सीधा थर्ड फ्लोर को नहीं बनाऊंगा, पहले मैं ग्राउंड फ्लोर है उस पर वर्क करूंगा। इसीलिए मैं कुकिंग क्लासेस इन पुणे जो है आपके होम पेज पे यूज कर रहा हूँ। लेकिन साथ साथ मैंने आपको कीवर्ड कैनिबलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट भी बताया कि अगर सर एक चीज पूछनी है सर, ये किसका फोन बज रहा है प्लीज उसको साइलेंट कर लीजिए। हेलो, हाँ जी सर, एक चीज पूछनी है। हाँ, जैसे हम सर होम पेज को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं दो कीवर्ड्स पे, ठीक है, और फिर आगे जाके हम सोचते हैं कि उस कीवर्ड का एक पेज बनाना है। हाँ, तो फिर सर कैसे ट्रांसफर करेंगे सब कुछ? फिर हम ये करेंगे कि होम पेज का जो कंटेंट है उस कंटेंट को देखेंगे क्या केवल उस पेज से रिलेटेड कंटेंट है या अदर कंटेंट भी है, फिर हम उसमें कंटेंट थोड़ा शिफ्ट करेंगे, कंटेंट को थोड़ा चेंज करेंगे, स्प्लिट करेंगे और टाइटल को चेंज करेंगे, और फिर जो स्पेशलाइज्ड हमने पेज बनाया है फिर वहां पे उसके टाइटल में हम वो वाला कीवर्ड यूज करेंगे और उस पेज में वो कीवर्ड यूज करेंगे। अच्छा सर, यही थोड़ा सा वो है क्योंकि जब हम ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिकली करोगे ना आपको मजा आने लगेगा और आप खुद इस चीज को मतलब खुद ही एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि जो ये कीवर्ड कैनिबलाइजेशन वाला पार्ट है ये मतलब आपको थोड़े से टाइम में समझ में आएगा। जैसे जैसे आप एक बार है ना एक वेबसाइट को ऑन पेज कम्प्लीटली ऑप्टिमाइज कर लोगे, आपको सारे इश्यूज पता चलेंगे, तब आपको ये प्रैक्टिकली और अच्छे से समझ में आएगा। तो वो सर हमारा पेज कहाँ पर रैंक कर रहा है क्या हमें पता चल सकता है उसके बारे में? डेफिनेटली पता चल सकता है कि आपका पेज कहाँ रैंक कर रहा है। सर ये तो नील पटेल को भी पता चल जाता है ना सर? हाँ ये पता चल जाए, प्लीज अपना फोन साइलेंट कर लीजिए। पंकज सर वो एक बार सर हम लोग उस पर चलेंगे सर, सोर्स कोड को पढ़ कर। किस पे? सोर्स कोड को पढ़ कर। ठीक है, ये सोर्स कोड पे आ गए जी। हाँ जी, तो जो इसका हमने टाइटल एक बार सर्च किया था सर, एक बार टाइटल इसका सर्च कीजिए। सर्च कर लिया, तो जितना भी कीवर्ड है सर जितना जगह पर टाइटल आ रहा है क्या हर एक जगह पर सेम कीवर्ड यूज करना या फिर हर एक टाइटल पर अलग अलग कीवर्ड यूज करना? विपिन जी वेबसाइट के हर पेज पे अलग अलग कीवर्ड यूज होगा, हर पेज का अलग अलग टाइटल होगा। नहीं ये जो सोर्स कोड है हुआ सर वो तो एक ही पेज के लिए हुआ ना सर? ये इस पेज के लिए है, पर अब जैसे मैं आप सपोज इस पेज के बाद ये होम पेज के बाद में गया रेगुलर वर्कशॉप है जी जी, तो रेगुलर वर्कशॉप का सोर्स कोड अलग होगा जी। हाँ, तो मैं रेगुलर वर्कशॉप का सोर्स कोड जैसे ओपन करता हूँ तो ये पेज खुल गया। अब आप इसमें देखेंगे इसका भी, इन्होंने देखो टाइटल में क्या आ रहा है, प्रोग्राम योर शेफ। अब ये सोर्स कोड से मतलब आप सोचो उस पेज का सोर्स कोड देख रहे हो, अभी जो अपन ने देखा था वो होम पेज का सोर्स कोड देखा था, तो होम पेज में क्या आ रहा है योर शेफ कुकिंग क्लासेस। नहीं जहाँ पर सर टाइटल हम सर्च करते हैं तो होम पेज का भी सोर्स कोड पर सर काफी जगह पर सर टाइटल है, तो क्या हर एक जगह पर एक ही चीज हम यूज करेंगे या फिर सिर्फ एक ही जगह टॉप पर नहीं यूज करना? नहीं नहीं टॉप पर ही यूज होगा ये, बाकी तो सब उसको ऑटोमेटिकली वो लेता रहेगा। अच्छा, ऑटोमेटिकली लेगा। हाँ, आपको केवल टॉप पे यूज करना है जी। हाँ, मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही रखें, टाइटल वाला पूरा पार्ट क्लियर है सबको? हाँ जी सर। बाकी फिर कल मैं जो नेक्स्ट यू इसको आगे का कंटिन्यू करूंगा, 20 तारीख को हम डिस्कस करने वाले हैं, कल 20 है ना? हां थी फ्राइडे क्लास होगी सर। हां कल 20 है, ठीक है, तो कल मैं आपका जो नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन और इमेज एंड हेडिंग ये तीन ऑप्टिमाइजेशंस पे बात करूंगा टाइटल के साथ, ठीक है?
और इसको प्रैक्टिकली अपनी वेबसाइट पे कैसे यूज करना है उस पे मैं बात करूंगा। सही शीट प्लीज प्रोवाइड करवा दीजिएगा। जिस जिसको ये शीट चाहिए जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे सब अपनी ईमेल आईडीज ड्रॉप कर लीजिए तो आपको ये शीट मैं आज ही दे दूंगा। ये नोट्स आप ही के लिए है, आप ही बना रहे हो सर। इसका ऑनलाइन कोई ऑप्शन नहीं है सर, क्योंकि सर नोट्स तो सर डेली बेस पर आप भेजेंगे तो फिर आज यदि भेज दिए तो कल का फिर दोबारा नहीं। ये शीट आपसे शेयर हो जाएगी, आप एक बार ईमेल आईडी दोगे, जैसे यहाँ पे ये शेयर का ऑप्शन आप देख रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपका सबके ईमेल आईडीज डाल दूंगा। और एक बार ईमेल आईडीज डाल दी तो उसके बाद ये शीट आप डेली बेसिस पे जो जो एड ऑन होता जा रहा है वो सारा का सारा आप कंटेंट यहाँ देख सकते हैं। ओके सर। ठीक है सर, मैंने भेज दी थी अपनी ईमेल आईडी। ठीक है तो आप भेज दीजिए कल आपको, मतलब ये शीट तो मैं आपको सुबह ही एड कर दूंगा। ठीक है तो कल मिलते हैं। आई होप सबको ये टॉपिक क्लियर रहा होगा टाइटल वाला अच्छे से। हाँ सर। कल कल फ्राइडे सर, क्या कल हम लोग क्लास हो पाएगी? कल फ्राइडे मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, शायद कल क्लास है क्योंकि मंडे मिस हुई थी तो तभी मंडे बोला था कि ये फ्राइडे भी क्लास रखी सर, तो शायद होगी मतलब। तो मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा। ठीक है मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा। बाकी सबके पॉइंट्स आज क्लियर हुए? विपिन जी, निशित जी, अंश, सचिन जी क्लियर है मेरा जो है? हां सर क्लियर। चलो गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट सर। निश्चित सर सेम टू यू। निश्चित सर हाउ आर यू सर? बढ़िया सर। सर आप अपना मुझे एक बार कांटेक्ट डिटेल दे दीजिए सर, मुझे आपकी कांटेक्ट तो मुझे थोड़ा जरूरत थी सर। दे लीजिए सर जी। 7575 65 65 9 9 5 10 5। वो मैं समझ नहीं पाया सर। 5 बार 5। ओके 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 5 times 5। सर आपसे मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन था सर वर्डप्रेस के रिगार्डिंग सर। बताइए। तो वर्डप्रेस के रिगार्डिंग सर आपको अच्छा खासा सर क्लियर है,